अचानक आपको पुरवा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या लगता है आप पुरवा चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए, जीत हार तो किसी की भी हो सकती है, बड़े बड़े नेता हार गए हैं, लेकिन जहाँ तक मेहनत की बात है, मेहनत में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। और रही 165 सदर की बात, हाँ बिल्कुल मैंने मेहनत की, आज यही है कि आज मेहनत मेरी रंग लाई। दीदी ने इस मेहनत को देखा, इसीलिए दीदी ने हमको पुरवा से लड़ाने के लिए मेहनत को। टिकट तक थी क्या जी? केवल टिकट तक ही मेहनत थी क्या, आप बता रहे? टिकट तक कैसे रह सकती है? हम तो 13 साल से पार्टी में हैं, मेहनत कर रहे हैं, मुकदमे झेल रहे हैं एक महिला होके, तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल हमें सही नहीं लगा। मेहनत मैं कर रही हूँ, करती रहूँगी, और जो भी आदेश होगा प्रियंका जी का या कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो भी मुझे आदेश मिलेगा मैं उसका पालन करूँगी। पूर्वा विधानसभा में क्या प्राथमिकताएँ होंगी आपकी चुनाव के? जैसे आप देख रहे हैं कि 165 में पूरे उन्नाव में गंदगी का बहुत ही बुरा हाल है, आलम है, तो पहले तो यहाँ की जो गंदगी है, जो सड़कें हैं उसकी होंगी, कॉलेजेस नहीं हैं आपके उन्नाव में, लोगों को कानपुर जाना पड़ता है और जगह जाना पड़ता है, तो कॉलेजेस पढ़ाई की होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, गंदगी साफ़ हो, सड़कें सही हों, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो भी जैसे सहारा में जो पैसा फंसा है महिलाओं का, है ना, वो होगा, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, और जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो भी हम देखेंगे परेशानी किसके, मतलब किसके लिए कौन सी लड़ाई हम लड़ सकते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं पूरी तरह से। उरुषा जी, आपके पिताजी मनोहर राणा का बयान है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो पलायन करेंगे, आप उनके बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये क्योंकि वो मेरे फादर हैं, पापा हैं, और वो खुद में एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। देखिए, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में, वो नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं और उनको पूरी आज़ादी है, क्योंकि वो कवि आदमी है और वो खुद में एक बहुत बड़ी वो ताकत रखते हैं, कलम वाला आदमी, कवि आदमी, हमेशा बहुत ताकत उसके कलम में होती है, तो वो कुछ भी बोले उससे, और मैं मतलब उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। उनका बयान सच है? हाँ, उनका बयान उनकी नज़रों में सच है, पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए भाई, वो उनका नजरिया होगा, अब वो किस उस पे बोले हैं ये तो वही बता सकते। इसी सवाल से जुड़ा मैडम कि अगर योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या आपको भी छोड़ना पड़ सकता है? मैं तो लड़ रही हूँ, मैं क्यों छोड़ूंगी? मैं योगी से भी लड़ रही हूँ, मोदी से भी लड़ रही हूँ, और इतने मुकदमे जो, अगर डर के मारे भागना होता तो पहले ही भाग जाते, ये खून जो है डर वालों का नहीं है, समझ में आया? हम लोग बिल्कुल लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। देखिए, दो परिवार लड़ रहे हैं इस वक्त, योगी और मोदी से। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको सभी न्यूज़ टाइम पर मिलती रहें।